इन छह तस्वीरों को आप देखिए। बंपर वोटिंग से परेशान आतंकी, श्रीनगर में जबरदस्त वोटिंग हुई है, पिछले 40-45 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग, और यही वजह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। हमले में बीजेपी नेता की मौत हो गई है। एजाज अहमद, आक्रोश और मातम का माहौल है चारों ओर। और पांचवी तस्वीर देखिए, जब जनाजा निकला किस तरीके से जन सैलाब निकला, और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक लाइन है कि न भूलेंगे न माफ करेंगे, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करेंगे। शोपियां में जब एजाज का जनाजा निकला तो आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़, लोगों के मन में मातम, लोगों की आंखों में आंसू थे। एजाज अहमद विकास के रास्ते पर चलना चुन चुके थे और ये बात आतंकियों को पसंद नहीं आई। आम कश्मीरी ये समझ चुका है कि उनका भविष्य किस ओर है, लेकिन चूंकि आतंकियों की दाल नहीं गल रही इसलिए टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। घाटी में आतंकियों की ओर से अंजाम दी गई इस घटना को देखकर किसी का भी खून खौल उठना लाजमी है। ऐसी घटनाएं साफ जाहिर करती हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी किस कदर बौखलाए हैं, किस तरीके से उन्हें घाटी का अमन चैन, घाटी का विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा, और यही वजह है कि वो इस तरह की टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको आतंकियों के बौखलाहट के पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्यों लगातार इस तरीके से टारगेट किलिंग की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, वो उसके पीछे की कुछ वजह हम आपको बताते हैं। और अभी की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है। बंपर वोटिंग का मतलब क्या है कि लोगों को भारत का लोकतंत्र पसंद आ रहा है, उन्हें यह पता है कि हिंदुस्तान ही उनका मुल्क है और हिंदुस्तान की तरक्की होगी तभी कश्मीर की तरक्की हो सकती है, और कश्मीर की तरक्की तभी हिंदुस्तान की तरक्की भी। चुनाव में इस बार घाटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है, रिकॉर्ड टूटा है श्रीनगर में वोटिंग का। 370 हटने के बाद कश्मीर की तरक्की आतंकियों के गले के लिए फांस की तरह बन चुका है। कश्मीर के हर कोने में विकास की झलक, डेवलपमेंट की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। कश्मीर विकास के रास्ते पर बड़े बड़े नेशनल समिट कश्मीर में हो रहे हैं, विदेशी मेहमान कश्मीर में पहुंच रहे हैं, पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। कश्मीर में लोगों का पत्थरबाजी से मोह भंग हो गया है, अब सेना के खिलाफ पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं, अब वो आतंकियों का ढाल नहीं बन रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पत्थरबाजी करने के बाद उनका भविष्य बर्बाद हो रहा था, अब विकास के रास्ते पर बढ़ेंगे तो उनके व्यक्तिगत जीवन का भी विकास होगा। अब सभी आतंकी अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, घाटी के लोग अब अलगाववादी और आतंकियों के बहकावे में नहीं आ रहे क्योंकि उन्हीं के बहकावे में आकर पहले पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे, आतंकियों के लिए ढाल बनते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का आम युवा आतंकियों के लिए ढाल बनना खारिज कर चुका है। आतंक की जगह लोग अब विकास का रास्ता चुन रहे हैं। बढ़ते टूरिज्म ने घाटी में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और इसलिए उन्हें अब अपना भविष्य बेहतर नजर आ रहा है। ये बात भी उन आतंकियों को रास नहीं आ रही है और ये बड़ी वजह है कि क्यों हाल फिलहाल में कुछ जो टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई हैं, क्यों टारगेट किलिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ और क्यों मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें भी क्यों आतंकियों ने टारगेट किया है। शोपिया में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद की हत्या के बाद इलाके में मातम का माहौल है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एजाज अहमद की हत्या के बाद उनकी पत्नी और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है। शोपिया में जिस पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की है वो कभी पत्थरबाज हुआ करता, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर से 370 हटाकर विकास की जो गंगा बहाई उससे डेवलपमेंट देखकर पूर्व सरपंच एजाज अहमद ने पत्थरबाजी छोड़ दिया, विकास की मुख्यधारा में लौटा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो लिए। उन्हें यह लगने लगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य पत्थरबाजी में नहीं है, आतंकियों की ढाल बनने में नहीं है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में है। आतंकी राह पर ना चलकर कश्मीर के विकास में अपना योगदान देना सही है।